हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रैंड फैंटेसी यूट्यूब चैनल। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो ड्रीम इलेवन का जो न्यू पॉइंट सिस्टम का अपडेट हुआ क्रिकेट का, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आप लोगों का थोड़ा सा ड्रीम इलेवन का मतलब न्यू पॉइंट सिस्टम में क्या कैसे आप टीम बना सकते हो और आप किस मतलब बॉलिंग को ज़्यादा ले सकते हो या बैट्समैन को ज़्यादा ले सकते हो और कैसे आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम ड्रीम इलेवन का जो पॉइंट सिस्टम आए उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहले आप पॉइंट सिस्टम पे जाइए, आप भी जा सकते हो। हम पॉइंट सिस्टम पे पहले जाते हैं, फिर देखते हैं कैसा कैसा अपडेट आया। ये देखिए ड्रीम इलेवन का जो न्यू पॉइंट सिस्टम अपडेट है, T20 में अगर कोई मतलब T20 ODI में एक टेस्ट में सब में एक ही है, हर में रन मतलब हर T20 मतलब क्रिकेट का सब में एक रन पे अभी एक रन पे आपको मतलब पहले जो मिलता था 0.5 उसमें अभी अब मिल रहा है प्लस वन, मतलब हर जी जो भी पॉइंट सिस्टम था उसको सब में डबल कर दिया गया। अभी T20 में देखिए, अब अगर एक बैट्समैन एक रन करता है तो फिर उसको पहले जो 0.5 मिलता था उसको अभी प्लस वन पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बाउंड्री बोनस भी ऐसे ही सेम डबल कर दिया गया। सिक्स अगर कोई बैट्समैन एक सिक्स रन लगाता है तो फिर उसको एक सिक्सर लगाता है तो फिर उसको आप देखिए ऑन प्ले प्लस पॉइंट प्लस वन था, अभी प्लस टू कर दिया। तो फिर अगर एक बैट्समैन सिक्स लगाता है तो फिर अभी मिलेगा कैसा कि एक रन पे तो फिर आपको एक रन पे ऑन पॉइंट है तो मतलब एक रन ऑन रन प्लस ऑन पॉइंट। सो अभी जो पॉइंट का सिस्टम है उसमें आपको सिक्स एक बैट्समैन अगर एक मतलब छः लगाता है तो फिर उसको कितना छः पॉइंट मिलेगा प्लस जो बोनस का है तो फिर उसको टू मिलेगा। तो फिर टोटल कितना हुआ, 8 पॉइंट हुआ। और अगर उसका आपको कैप्टन बना तो फिर कितना मिल रहा है, आपको 16 मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको 16 मिला। अगर बैट्समैन अगर हाफ सेंचुरी लगा दी फिर आपको उसको पहले 4 मिल रहा था, अभी उसको 8 मिलेगा। तो बॉलिंग में थोड़ा सा ज़्यादा ही पॉइंट दे रहा है, मेरे को लगता है ड्रीम इलेवन ने बॉलिंग में थोड़ा सा ज़्यादा ही पॉइंट दे दिया। एक विकेट में आपको पहले जो 10 देता था उसको अभी डबल से ज़्यादा करके उसको 25 कर दिया गया। तो फिर अगर ड्रीम इलेवन पर अगर आप बॉलिंग को कैप्टन बनाए, मेरे हिसाब से अभी ड्रीम इलेवन में बॉलिंग को थोड़ा सा फेवर किया गया। आप अगर ड्रीम इलेवन में अगर बॉलिंग को थोड़ा सा अभी आपको भी थोड़ा फेवर करना पड़ेगा तभी आप ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। लेकिन आपका अगर कोई बैट्समैन आपको 50 रन मतलब 50 पॉइंट देने के लिए उसको कम से कम 50 रन करना पड़ेगा या उससे कम करना पड़ेगा, कम से कम 40 रन तो करना ही पड़ेगा। बोनस मिलकर उसको 50 पॉइंट हो जाएगा तो कम से कम 40 रन तो करना ही पड़ेगा तभी वो आपको 50 पॉइंट दे सकते हैं। लेकिन एक बॉलर अगर दो विकेट चटका लिया तो आराम से उसको आपको वो 50 पॉइंट दे देगा। अगर आपने कैप्टन बना तो फिर उसको 100 पॉइंट मिल जाएगा। तो फिर ऐसे आप ड्रीम इलेवन में अभी बॉलर को कैप्टन बनाना अभी बेस्ट होगा। अगर आप कैप्टन नहीं बनाएंगे तो फिर शायद आपका रैंक भी उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अभी न्यू अपडेट आया, आप अगर पहले दिन से आप इसको अच्छे से अप्लाई कर पाए तो फिर आप पहले दिन में ही ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा स्मार्ट है तो फिर स्मार्टली थोड़ा अगर काम करेंगे तो फिर आप पहले दिन में ही ग्रैंड लीग जीत सकते, क्योंकि न्यू अपडेट है तो उतना सब लोगों ने फॉलो उतना देखिए न्यू अपडेट आया है। यहाँ पर ड्रीम इलेवन ने अभी बैनर लगा दिया तो अब इसे उतना लोगों ने फिर फॉलो नहीं करेगा। आप पहले ऐसे होता है, प्रॉब्लम होता है, जैसे पहले फोर ड्रीम इलेवन का मतलब फोर ऑलराउंडर सिलेक्ट करना होता था, ऐसे वो जो न्यू अपडेट आया था उससे भी सबको प्रॉब्लम हुआ। तो ऐसे आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो अगर आप थोड़ा दिमाग से खेलोगे उसी टाइम पे तो फिर आपका भी शायद अच्छा हो जाएगा। और ज़्यादातर आप बॉलिंग को थोड़ा सा फोकस करोगे। अगर आपको लगता है कि किसी भी बॉलर 2-3 विकेट चटका सकते हो उसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, आपके लिए ग्रैंड लीग में आपको अच्छा रिजल्ट दिख सकता है। तो सब में ही सेम ऑप्शन है, ODI में सेम ऑप्शन है, सेम सब में डबल करके दिया है, अभी डबल करके दिया। बॉलिंग में भी सेम, मतलब अभी जो डाक का जो ऑप्शन था, डाक में जो जीरो मिलता जीरो T20 में डाक में जीरो माइनस टू था, वो सब सेम है। जो डाक का पॉइंट था माइनस ODI में -3 और इसमें -4 तो सेम करके दे सेम ही है। तो आप इसको इसमें और कोई चेंज नहीं, जस्ट ये सब पॉइंट का डबल करके दिया और कुछ नहीं और कुछ पॉइंट चेंज नहीं। तो आप ऐसे अगर आप ड्रीम इलेवन में अगर आप अभी जैसे अभी ये मैच चल रहा है देखिए, तो हम मैन तो इसका ये मैच के प्रीव्यू हम रेडी करेंगे दूसरे में। तो आप जस्ट हम अभी आपको थोड़ा सा ये देखिए, अभी एक कौशल मोल्ला है, राशिद खान है, कौशल मोल्ला जो बहुत अच्छा बॉलर भी है और मतलब बैट्समैन भी है। तो ये ऑन डाउन टू डाउन बैटिंग करने आएगा, आपको बैटिंग का भी पॉइंट देगा, ये बॉलर के पॉइंट देगा। तो फिर आप अगर ऐसा प्लेयर को आप अगर कैप्टन बनाओगे तो फिर आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ये आपको ग्रैंड लीग जिता सकते हैं। क्योंकि ये ऑन डाउन टू डाउन बैटिंग करेगा, अगर 10-20 रन भी मार दिया तो फिर आपको 20 पॉइंट मिलेगा, अगर 2 विकेट लग गया तो फिर उसको 50 पॉइंट मिलेगा। तो फिर आपको कैप्टन बनाया तो फिर आपको मतलब 100-150 आपको पॉइंट मिल जाएगा, तो फिर आप कैप्टन आर इजीली ग्रैंड लीग जीत सकते हो। तो ऐसे ही
ऐसे ही अभी आपको अगर कोई भी बॉलर का अगर आपको ज़्यादातर अभी बॉलर पे और ऑलराउंडर पे फोकस करना पड़ेगा। बैट्समैन में कर बैट्समैन तो आपको लेना ही, लेकिन अगर अगर आपका लक बहुत ख़राब है तो फिर कोई भी बैट्समैन अगर जीरो पे अभी आउट हो गया ना तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये तो लक का और थोड़ा सा मतलब स्मार्ट का मतलब स्किल का भी गेम है। तो ऐसे ही ऐसा तो नहीं कि आप मतलब आप अगर पॉजिटिव रहे तो फिर आप तो जीत सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव रहे तो नेगेटिव रहेंगे तो खेलेंगे तो फिर आप कभी ग्रैंड लीग या ड्रीम इलेवन में कुछ भी नहीं जीत सकते। आप ड्रीम इलेवन में ये पॉजिटिव रहने का अगर पॉजिटिव रहे नहीं रहेंगे तो आप तो कुछ नहीं जीत सकते, लेकिन अगर पॉजिटिव रहें तो फिर आप किसी भी दिन बड़ा जीएल जीत सकते हैं, जो भी हो जीत सकते। जैसे हम देखिए हमारा जो मंथली प्राइम है उसमें हम हर मंथ में 4-5 बार ग्रैंड लीग जीतते हैं। तो ऐसे ही हम लोग ऑलरेडी ऑल टाइम पॉजिटिव रहते हैं। आप देख सकते हैं मेरा बैलेंस भी देख सकते हैं ड्रीम इलेवन में कितना बैलेंस है। और ये तो अभी तो हमने कल का मैच का कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं और भी ज्वाइन करना है, तो देखिए बैलेंस देख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको ड्रीम इलेवन में खेलना है तो फिर आपको पॉजिटिव रह के खेलना है। और अभी ये जो न्यू पॉइंट सिस्टम है इसमें आपको बॉलिंग पे थोड़ा सा फोकस करना है। अगर आप बॉलिंग पे फोकस करेंगे तो फिर आप ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन सकते हैं। देखिए हमारा ग्रैंड फैंटेसी टेलीग्राम चैनल है, तो आप इसमें भी ज्वाइन सकते हैं। आपको हम कबड्डी का तो उतना अभी हम सिलेक्टेड मैचेस में देते हैं, लेकिन फुटबॉल का हर मैच का हम यहाँ पर टीम देते हैं। देखिए अभी जो मैच चल रहा है इसका रैंक देखिए, देख सकते हैं हमारा यह हमने फुटबॉल का भी मैच जो चल रहा था उसका टीम दिया, फ्री में टीम देते हैं यहाँ पर। और लेकिन आपको अगर हर मैच का 6 टीम चाहिए सिर्फ क्रिकेट का तो फिर हमारा मंथली प्राइम में आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें हम हर मैच का 6 टीम देते हैं, उसमें भी आप ज्वाइन सकते हैं। हम हर मंथ में 4-5 बार ग्रैंड लीग जीते हैं, तो आपका अगर ग्रैंड लीग जीतना है तो फिर आप हमारा मंथली प्राइम में भी ले सकते हो। और पूरा डिटेल्स जो है हम डिस्क्रिप्शन में पूरा डाल देंगे। ये मंथली प्राइम का सब स्क्रीनशॉट है, तो अब पूरा डिटेल्स हम मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वीडियो के नीचे आप पूरा डिटेल्स देख के आप हमारा हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और जो हमारा चैनल का लिंक है टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक अभी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक के थ्रू आप हमारा फ्री चैनल पे जा सकते हो, उसका उसमें भी आपको फ्री टीम मिलेगा। और आप अगर लिंक नहीं काम कर रहे तो फिर हमारा टेलीग्राम पे जाइए, फिर सर्च करिए @DREAM11GF, उसके बाद ये लोगो दिखेगा, ये लोगो दिखे हमारे चैनल पर ज्वाइन हो जाए, ताकि आपको टॉस के बाद जो टीम होता है न्यूज़ होता है सब हमारे चैनल पर ही मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक करिए, शेयर करिए हमारे ये वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ओके दोस्तों, अभी ये वीडियो ख़त्म करते हैं। हम अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जो वीडियो हम बनाएंगे वो अंडर 19 का 2 मैच है, तो उसके बारे में उसमें किसी एक मैच में हम अंडर 19 का वीडियो बनाएंगे, देखते हैं कि मतलब चॉइस करेंगे किसी, तो उसमें हम वीडियो डालने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाला जो वीडियो, जैसे हमने कल का मैच अभी जो अंडर 19 का मैच चल रहा था तो उसके बारे में हमने बोला था कि आप जो सागर मिश्रा है वो बहुत बड़ी ऑप्शन है। सागर मिश्रा को आप ले सकते हो, वो ग्रैंड लीग का मैं उसको कैप्टन मान सकते हो। किसी भी मैच में 4-5 विकेट चटका था, तो उसने आज के मैच में ही 5 विकेट चटका लिया। अगर हमारी बात ये वीडियो मतलब जिसने वीडियो देखा उसने अगर कैप्टन बनाया होगा तो फिर वो ग्रैंड लीग में अच्छा खासा रैंक कर शायद किया होगा, तो फिर वो ग्रैंड लीग में जीत भी सकता है। अगर आपने अच्छे से टीम बनाया हो तो फिर अगर ढंग से टीम बनाया तो फिर जीत भी सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि ग्रैंड लीग में आप नहीं जीत सकते, ड्रीम इलेवन में नहीं जीत सकते। देखिए हमारा ये मेरा खुद की विनिंग है हर मत। ऐसे ही आपको अगर ग्रैंड लीग में रैंक अच्छा करना है तो फिर आपको तो पॉजिटिव है, मेरी एक बेस्ट लॉजिक है, आपको ड्रीम इलेवन में पॉजिटिवली खेलना है तभी आप ग्रैंड लीग जीत पाएंगे। अगर नहीं खेलेंगे तो फिर नीचे। लेकिन आज की अभी जो न्यू पॉइंट सिस्टम अपडेट है तो फिर आपको ड्रीम में बॉलिंग में थोड़ा सा फोकस करना है। दोस्तों अभी वीडियो खत्म करते हैं, बाय, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।